बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार हो गए हैं। ये एक्टर वो है जिन्होंने 90s में काफी नाम कमाया और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे, भले ही इनकी हेयर स्टाइल हो या फिर इनकी फिल्म के गाने। बात हो रही है आशिकी फिल्म एक्टर राहुल रॉय की। राहुल रॉय के फैंस आज अचानक से शॉक में आ गए जब उन्हें पता चला कि राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक आया है। जी हाँ, राहुल रॉय इस वक्त मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ICU में है और उनके ब्रेन की सर्जरी हुई है। राहुल रॉय की एज 52 इयर्स की है और हाल ही में उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से वो फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं और कुछ शूट्स में भी बिजी है। राहुल रॉय अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये फिल्म कारगिल में गलवान वैली पर बेस्ड थी। LSA नाम की ये फिल्म है जिसकी शूट श्रीनगर में चल रही थी और वहीं पर राहुल की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल से मुंबई रेफर किया गया। राहुल के साथ इस फिल्म में काम कर रहे बिग बॉस कंटेस्टेंट निशांत मलकानी ने पूरा इंसिडेंट बताते हुए कहा कि जिस जगह पर वो शूटिंग कर रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस बड़ी खराब है। -17 डिग्री में उन्हें शूट करना पड़ रहा है क्योंकि वेदर कंडीशंस इतनी बुरी है। यही कारण है कि राहुल का जो शूटिंग का स्केड्यूल 4-5 दिनों का होने वाला था वो 10 दिनों का हो गया। 2 दिन पहले राहुल को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। स्थिति गंभीर लगने पर टीम के मेंबर्स उन्हें वहीं पर लोकल मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर गए, जिसके बाद श्रीनगर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहां से मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के ICU में लाया गया। ICU के अंदर से राहुल की एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है और जो देखकर वाकई में शॉकिंग लगता है, क्योंकि राहुल का जो 90s वाला आशिकी वाला रूप है वो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में कायम है। उसका जो स्टाइल था आशिकी फिल्म में वो तब 90s में काफी लोगों के सर चढ़कर बोला था। ऐसे में अपने उस हीरो को ICU बेड पर तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। आपको बता दें कि हाल ही में आशिकी की पूरी टीम कपिल शर्मा के शो में शामिल हुई थी, जहां पर राहुल ने उसी अंदाज में एंट्री मारी थी, गिटार बजाकर, गाना गाकर। और सोशल मीडिया पर राहुल काफी एक्टिव रहते हैं, वो फिर से अपने करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो राहुल के काफी रिलेशनशिप्स रहे हैं। इसके अलावा राय लक्ष्मी नाम की मॉडल से उन्होंने शादी भी की थी, हालांकि कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया। और 2016 में खबरें आई थी कि राहुल रॉय एक बार फिर से रिलेशनशिप में है अपने से कहीं ज्यादा यंग साधना नाम की मॉडल के साथ। सुनने में ये भी आया था कि दोनों ही लिव इन में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन अब तक दोनों की शादी नहीं हुई है। वेल, वी होप कि राहुल रॉय जल्द ही रिकवर करे इस बीमारी से और फिर से काम पर लौटे।